सर जैसे कि सर मम्मी हमसे कहती हैं कि तुम्हारे कारण हम अपनी इच्छाएं नहीं पूरी कर पाए सर, तो सर उनकी इच्छा जो यही थी ना कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए, सर वो ऐसा क्यों कहते हैं कि हम तुम्हारे कारण अपनी इच्छाएं नहीं पूरी कर पाए। बेटा इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती हैं, लेकिन हम इतने समझदार भी नहीं होते और इतने ईमानदार भी नहीं होते कि इस सार्वभौम सत्य को देख पाएं कि इच्छाएं आज तक किसी की पूरी नहीं हुई। हमें लगता है हमारी इच्छाएं पूरी हो सकती थी, किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाई, कुछ संयोग लग गया, कोई भांजी मार गया, किसी ने अड़ंगा लगा दिया, नहीं तो मेरी इच्छाएं तो पूरी हो ही जाती, वो तो मुझे राजकुमार मिल ही जाता, पिताजी ने तुम्हारे साथ फंसा दिया। हमें फिर कोई चाहिए होता है जिसके सिर पर हम अपना सारा कचरा डाल दें, किसी न किसी पे तो आरोप लगाना है ना। ये कैसे माने कि इच्छाओं का तो स्वभाव ही अपूर्णता है? इच्छा पूरी कब किसकी होती है? इच्छा में फंसना ही पहली बेवकूफी है। इच्छा में फंसना मतलब दुख को न्योता। अब फिर जब दुख होता है तो उस दुख का ठीकरा हम किसी और के सर फोड़ते हैं, बात एक व्यक्ति की नहीं है, ये पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। बेटा बच्चे पैदा ही क्यों होते हैं? मां बाप की कामना से। और फिर मां बाप कहते हैं तुम्हारे कारण हमारी कामना नहीं पूरी हुई। तुम्हारी कामना ना पूरी हो रही होती तो हम आते कहां से? आसमान से टपके। तुम्हारी कामना का साक्षात प्रमाण तो हम हैं। और फिर तुम कह रहे हो हमारे कारण तुम्हारी कामना नहीं पूरी हुई। पहले तो हमें जवाब दो, हमें लेके काहे को आए, हमसे पूछा था? कामनाएं तुम्हारी, अब 80 साल तक ढोना हमको है। और ये काम अभिभावक अपने बच्चे के साथ करते हैं, बच्चा अपने बच्चों के साथ करता है, श्रृंखला चलती रहती है। सब अपनी अधूरी इच्छाएं अपनी अगली पीढ़ी पर लाद देते हैं, जैसे कि बच्चे ने ठेका लिया हो तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने का। वो जब पैदा हुआ था तो तुमने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम तुझे जन्म दे रहे हैं, अब तुझे ये करना पड़ेगा हमारे लिए। पर मैं क्लर्क रह गया, बेटा कलेक्टर बने। मैंने 5 बार कोशिश करी, मैं फलानी परीक्षा पास नहीं कर पाया, अब बेटा पास करे। होता है कि नहीं होता है? हमारी सारी अधूरी ख्वाहिशें बेटा पूरी करेगा। क्यों भाई, कुछ समझा तो दो कि ये क्या कह रहे हो? और फिर हमारी अधूरी ख्वाहिशें कौन पूरी करेगा? तुम नहीं, उसके लिए तुम 3 और पैदा करना, वो है। तो चक्र चलता रहे, इसीलिए तो पैदा किए जाते हैं। बेटा हमारे तो कभी 50% से ज्यादा आए नहीं, पर तेरे 98 से नीचे नहीं आने चाहिए। भाई तुम्हें लाने थे तुम ले आ लेते, तुम्हें 98 से इतना प्यार है तो खुद ले आ लिए होते। हमें नहीं प्यार है 98 से, हमारे सर काहे बोझ रख रहे हो? बेटा सरकारी नौकरी सबसे अच्छी होती है, हमें नहीं मिली। अरे आपको अच्छी लगती थी, हमें नहीं अच्छी लगती। अपनी अतृप्त वासनाएं हमारे ऊपर क्यों आरोपित कर रहे हैं?
अपनी अपूर्ण इच्छाएं हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हैं? और आप देख नहीं पा रहे हैं कि यही तो फिर संसार का चक्र बन जाना है। आपकी इच्छाएं हमारे ऊपर, हमारी इच्छाएं अगली पीढ़ी के ऊपर, और आगे 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 चल रहा है खेल। असली अभिभावक हो पाना, असली माँ बाप हो पाना उतना ही मुश्किल है जितना असली औलाद हो पाना। बहुत कम बेटे बेटियां होते हैं जो असली बेटे बेटियां होते हैं, और बहुत कम माँ बाप होते हैं जो असली माँ बाप होते हैं। बेटा असली का मतलब ये हुआ कि शरीर से जन्म तो कोई भी माँ बाप दे देता है, और शरीर से तो कोई भी बेटा बेटी उत्पन्न हो जाता है। उतना भर काफ़ी नहीं होता, उससे आगे जाना होता है असली कहलाने के लिए। असली का अर्थ होता है कि तुमने सिर्फ एक शरीर को ही जन्म नहीं दिया है, तुमने एक स्वस्थ मन को जन्म दिया है। पर अभिभावकों का पूरा ख्याल शरीर तक ही सीमित रह जाता है। तुम देखना, आज ही था, हम सुबह सुबह जब जा रहे थे घाट की तरफ, तो माएँ सुबह सुबह की धूप में छोटे बच्चों को लिटा करके उनको तेल मल रही थी। अच्छी बात है, शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, वो पहली बात है। लेकिन माएँ शरीर तक रुक जाती हैं, उनके लिए इतना काफ़ी है कि बच्चा हष्ट पुष्ट है, खा लिया, हाँ कोई बीमारी तो नहीं है, नहीं है, वज़न बढ़िया है, वज़न बढ़िया है, नहा लिया, हाँ कपड़े ठीक पहने, हाँ शरीर से संबंधित जितने काम हैं वहाँ तक जा करके माएँ रुक जाती हैं। मन और आत्मा की कोई खबर ही नहीं लेती, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता। असली माँ वो है जो शरीर पर रुक ना जाए, जो ये भी देखे कि बच्चा मानसिक रूप से पूर्णतया आत्मनिर्भर और स्वस्थ है या नहीं है। फिर वो माँ बाप मात्र माँ बाप नहीं रह जाते, वो फिर गुरु भी हो जाते हैं। उनको मैं कहता हूँ असली माँ बाप। इसी तरीके से असली बेटा बेटी कौन हुए? असली बेटा बेटी वो हुए जो जीवन भर बेटा बेटी ही न रह जाएं, स्वस्थ मन को लेकर के जल्दी परिपक्व हो करके माँ बाप के दोस्त बन जाएं। ये नहीं कि तुम 40 साल के हो गए हो लेकिन अभी भी बच्चे ही बने हुए हो, और पिताजी से डांट खा रहे हो, और छोटी छोटी बातों के लिए अभी भी पिताजी पे निर्भर हो। असली बेटा वो जो 14 का कि 16 का कि 18 का होते होते बाप का दोस्त बन जाए। कहावत भी है कि जब बाप का जूता बेटे को आने लगे तो दोस्त हो जाने चाहिए, पर दोस्त हो नहीं पाते। वो संबंध हमेशा शरीर मात्र का रह जाता है, मन से मन का, आत्मा से आत्मा का नहीं हो पाता। बात समझ रहे हो ना? अब एक असली मां होने के लिए पहले तुम्हें एक असली इंसान होना पड़ेगा, समझ रहे हो? जब तुम्हें जिंदगी में कुछ नहीं पता तो तुम्हें यही कैसे पता होगा कि बच्चे का पालन पोषण कैसे करना है? तुम जिंदगी में हर क्षेत्र में सर्वथा अज्ञानी हो तो मातृत्व के क्षेत्र में ही तुम कैसे बड़ी बोधपूर्ण हो जाओगी? जब तुमने जीवन में कुछ नहीं जाना तो तुम मन और आत्मा के बारे में भी क्या जानोगी? तुम्हारे लिए बच्चा सिर्फ मांस रहेगा, शरीर। इतना ख्याल कर लोगी कि खा लिया है ना, हाँ खा लिया, ठीक, वजन ठीक है, हाँ वजन ठीक। उसके मन में बीमारियां आती रहेंगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा।
लेकिन सर बचपन में सर कैसे पता चला उनका सर मन कैसा है? बेटा जैसे किसी भी इंसान का पता चलता है वैसे ही बच्चे का भी पता चलेगा। छोटा सा बच्चा है, बात बात में झूठ बोलता है, बात बात में लड़ाई करता है, उस छोटे बच्चे का कोई और रिश्ते में समकक्ष बच्चा आता है, उसे उससे ईर्ष्या हो जाती है। बच्चा है छोटा, वो दिन रात बैठ कर के घर में टीवी देखता है। बच्चा है छोटा, उसे कोई चीज़ बांटने को कह दो तो बांट नहीं पाता है। बच्चा है छोटा, वो जानवरों के प्रति हिंसक रहता है। ये सब स्पष्ट प्रमाण है कि मन बीमार है। पर ये तो छोड़ ही दो कि इन बीमारियों को अभिभावक दूर कर पाएं। अक्सर ये होता है कि ये बीमारियां आती ही अभिभावकों से हैं। बच्चा ये सारी बीमारियां ग्रहण ही घर से करता है, बाहर से भी करता है, स्कूल से भी करता है, मोहल्ले से भी करता है, पर अक्सर घर से करता है। तो सब चुटकुले तो तुम जानते ही हो ना कि शर्मा जी वर्मा जी के यहाँ आते हैं, वर्मा जी को छुपना है तो छोटे से कहते हैं कि जाके कह देना कि पापा घर पे नहीं है, तो जाकर के बोल आता है पापा ने कहा है कि पापा घर पे नहीं है, और फिर पिटा पिटता है। ये सब यही तो है। अम्मा दिन रात घर पे बैठ करके घटिया टीवी सीरियल देख रही है, बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? बच्चे के कान में भी तो आवाज़ जा ही रही है ना। माँ दिन रात बैठ करके पड़ोसियों की और रिश्तेदारों की लगाई बुझाई करती है, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसका ऐसा है, उसका वैसा है, और बच्चा सुन नहीं रहा है। बच्चे के मन पे क्या प्रभाव जा रहा है? माँ बाप की दिन रात खटपट होती है कि तुमने कहा था इस बार तो दिवाली पे दिला दोगे, इस बार भी नहीं दिलाया। वो कह रहा दिला तो दिया, कह रही तो बहुत हल्का है, भारी वाला लेके आते। कुंदन का चाहिए, और बच्चा सुन नहीं रहा है ये सब। अस्वस्थ अभिभावकों से स्वस्थ बच्चा कैसे आएगा? मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, असली माँ बाप वो जो शारीरिक रूप से जन्म दें और उसके बाद मानसिक रूप से भी जन्म दे पाए, तब असली माँ बाप हुए, वो कम होते हैं। तुम किसी ऐसे व्यक्ति के भी तो दोस्त हो सकते हो ना जो तुम्हारी दोस्ती की कदर न करता हो। बस उनकी नजरों में तुम अभी छोटे हो और नासमझ हो और किसी काबिल नहीं हो, पर अपनी नजरों में तो तुम उनके दोस्त हो सकते हो ना, भले वो तुम्हारी दोस्ती की कदर ना करें। तुम्हें तो प्रेम हो सकता है ना कि नहीं हो सकता? या तुम ये कहोगे कि जब तक तू मुझे प्यार नहीं करेगा तब तक मैं अभी तुझे नहीं कर सकती? असली प्रेम तो हमेशा एक तरफा होता है। वो नहीं देख पा रहे अगर कुछ बातें, तो भी तुम्हें किसने रोका है उन बातों को समझने से? और अगर तुम समझते हो तो धीरे धीरे उनको भी समझाओगे। प्रेम का तो यही अर्थ होता है ना कि हमने जाना है तो तुम तक भी लाएंगे। प्रेम का ये अर्थ तो नहीं होता कि तुम अंधेरे में पड़े हो और हम तुमको अंधेरे में पड़ा रहने देंगे। ये तो नहीं अर्थ होता प्रेम का कि अरे कहीं तुम्हारी भावनाएं ना आहत हो जाएं,
पापा से ऐसा बोल दिया तो पापा बुरा मान जाएंगे तो हम बोलेंगे ही नहीं। अरे भाई, अगर बात सच्ची है और ज़रूरी है तो उसे कहा जाना चाहिए, ज़रूर कहिए। हाँ, चोट पहुंचा के मत कहिए, हिंसात्मक तरीके से मत कहिए, उचित तरीके से कहिए, मीठी वाणी से कहिए, पर कहिए ज़रूर। सच छुपाने के लिए नहीं होता। तो अगर तुम्हें प्यार है तो तुम क्या करोगी? माँ से बात कर रही हो और ये स्थिति आ जाती है, और माँ से प्यार है तो क्या करोगी? हम चुपचाप चले जाते हैं। और फिर आओगी लौट के जी। और फिर आओगी लौट के, तो आती रहो। तब तक आओ जब तक समझ न जाए। तो यही रिपीटेशन हाँ बार हो रहा है, बार बार होगा। देखो बेटा, चलते चलते तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं। माँ का दिल पत्थर से ज्यादा सख्त थोड़ी हो सकता है कि हो सकता है। जब दिखाई देगा कि बेटी बार बार आ रही है, कोई बात कहना चाहती है, समझाना चाहती है, तो एक दिन ध्यान देंगी, कहेंगी कुछ होगा ज़रूर, नहीं तो मैं इसे बार बार भगाती हूँ, ये बार बार पलट पलट के क्यों आती है, मैं अपमान भी कर देती हूँ, अपमान सह सह के भी वापस क्यों आती है, कुछ बात ज़रूर होगी। इसमें माँ को जो बात समझ में आती है सो आती है, तुम्हारा अपना विकास बहुत हो जाएगा। बार बार सर जाने पर मम्मी तो गुस्सा होती है, जाने के लिए तरीके हैं जाने के, गुस्सा भी होती है जो जो तुमको कहना है, तो पर हमको जो कर लेंगे मान के और माँ गुस्सा हो जाए और तुम्हें प्रेम है तो तुम क्या करोगे? मना लो, गुस्सा ही तो हुई है, मार थोड़ी डाला तुमको, ये हमला कर देती है हथियार लेके कि आज तो कत्ल है, ऐसा तो नहीं करती माँ की, ऐसा करती है। माँ गुस्सा हो गई, तुम मना लो, जब मान जाए तो फिर गुस्सा कर दो, फिर मना लो, एक दिन पूरी ही तरह से मान जाएगी। और जब वो दिन आएगा ना, तब तक तुम खुद और परिपक्व हो जाओगे। समझो बात को, माँ को मनाने में, इस पूरी प्रक्रिया में तुम्हारा अपना विकास बहुत हो जाएगा। माँ का होना हो, तुम्हारा होना पक्का है। इतना संयम आ जाएगा तुम में, इतनी ताकत आ जाएगी कि देखना। अच्छा सर, इस तरह कभी कभी डर आते हैं, थोड़े फनी लगते हैं, बट समझ में मुझे भी नहीं आता है क्यों। जैसे बहुत डिपेंडेंसी थी अपने पेरेंट्स के ऊपर, तो धीरे धीरे बड़े होने लगे, चीजें खुद से करने के लिए, अपने आप के नहीं, अब ये नहीं करने देना है, अपने आप को खुद से करना है, तो अब उन्हें लगने लगता है ये अपने आप करने लगे, जरूर कुछ गड़बड़ है, तो वो नहीं समझा लगता है। अब मतलब उसे जो बताओ कि आप मैच्योर हो गए हैं, खुद से ही सब चीजें। बेटा जब तुम ये सब बातें उनके बारे में बोल रही हो तो ये याद रखना कि इतना बेतुका तो कोई नहीं होता। अगर उन्हें तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं होता है कि तुम कोई भी ढंग का काम कर सकते हो, तो इसकी वजहें तुमने ही उनको दी होंगी। ज़रा अपने अतीत को याद करो, तुमने आज तक कोई भी ढंग का काम करा है? तुम जो भी करते हो वही उल्टा पुल्टा, यही हुआ है कि नहीं? ध्यान दो,
छोटे से छोटा काम तुम करने निकलते थे तो बिगाड़ देते थे और फिर चिल्लाते थे कि पापा मदद करो, पापा मदद करो। अब उनको अचानक कैसे विश्वास हो जाए कि तुम बड़े काबिल हो गए हो, जल्दी बताओ। सर, लेकिन अगर यही प्रोसेस काफी सालों से चला रहा है और उनको रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं तो उनका तो मान जाएंगे। हाँ? मान जाएंगे धीरे धीरे। भाई कोई बाप ये थोड़ी चाहेगा कि उसकी बेटी हमेशा उस पर निर्भर ही बनी रहे। ये बाप को अच्छा लगेगा कि नहीं, इसका बोझ हमेशा मेरे ऊपर ही रहे, ये चल तो सकती नहीं, आप बैठ जा मेरे कंधे पे। कोई नहीं चाहता भाई, अंततः वो भी यही चाहते हैं कि तुम अपने हिसाब किताब से जियो अपनी जिंदगी, हमें मुक्त करो। सुना है कई बार माँ बाप को ऐसे बोलते हुए ना कि दो लड़के थे वो इधर लग गए, दो लड़कियां थी वो उधर लग गई, अब हम मुक्त हो गए हैं। तो माँ बाप भी यही चाहते हैं कि तुम अपने हिसाब से अपना जीवन देखने लगो, पर पहले उनको ये यकीन तो आना चाहिए कि तुम इस काबिल हो कि अपने हिसाब से देख पाओगे। और यकीन आए इसके लिए उन्हें प्रमाण देना पड़ेगा। तुमने कोई प्रमाण दिया है आज तक? तुमने उल्टे प्रमाण जरूर दिए हैं कि आप हमें 10 रुपए दीजिए कि जा करके धनिया खरीद लाओ, हम उसकी सिगरेट फूंक के आ जाएंगे। ये किया है कि नहीं बोलो? इससे मिलते जुलते काम हुए हैं कि नहीं? अब जब तुम ये काम करते हो तो तुमको 1000 रुपए कैसे दे दें? 10 रुपए का तो तुम सिगरेट फूंक देते हो और कह चाहते हो कि माँ बाप हम पे यकीन नहीं करते, 1000 रुपए मांगे दिए नहीं, 10 की सिगरेट आई थी, 1000 की कोकीन पियोगे, माँ बाप पागल हुए हैं कि तुम्हें पैसे दें? बोलो। अभी अंशुमन जी कल शाम को चर्चा हो रही थी, बता रहे थे, बोले समाज कल्याण के जो पैसे आते हैं जाने माइनॉरिटी फंड के किसी के, बोले वो सीधे जो स्टूडेंट होता है उसके खाते में आते हैं, बैंक में सीधे उसी खाते में, ऐसा होता है सीधे? तो बोले अभी अभी एक केस हुआ है, ATM कार्ड बैंक का स्टूडेंट के पास, प्लस ये लोग नेट बैंकिंग में रजिस्टर्ड रहते हैं, तो बैंक में जहां 1 रुपया भी आया तो बैंक से SMS आ जाता है कि इतना पैसा आपके अकाउंट में आ गया है। बोले वहां सरकार ने इनके अकाउंट में पैसा डलवाया और वो पैसा डलवाया कि जाके कॉलेज की फीस जमा कराओ। साहब गए फटाफट, वो सारा पैसा निकाल के जेब में डाल लिया। अब कुछ दिनों बाद लिस्ट तैयार हुई कि इतने लोगों का आ गया है पैसा, कॉलेज आया कि नहीं आया, तो देखा इनका नहीं आया है। तो माँ बाप से पूछताछ हुई, माँ बाप ने कहा ये पैसा तो आया ही नहीं, बैंक में है नहीं और घर पे आया नहीं। ये निकाल ले गए थे पैसा, उसमें से कुछ खर्च भी कर डाला था। अब ऐसों पर कौन यकीन करेगा बताओ? और फिर ये कहें कि अब्बू हम पे यकीन नहीं करते, कैसे करें? कैसे करें? और एक नहीं 2-3। और हिबा तुम्हें ताज्जुब होगा, जिनके नाम लिए वो सब वो थे जो कैंप में जा चुके हैं। उनके कान उमेठे गए तो फिर लाके पैसा दे दिए, हाँ हमारे ही पास था लो। अब बताओ तुम एक बात पक्की समझ लो, तुम में अगर मैच्योरिटी आएगी और तुम अगर काबिलियत दिखाओगे तो आज नहीं तो कल माँ बाप को क्या पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा कि अब तुम्हें आज़ादी दी जानी चाहिए। माँ बाप भी मानेंगे, पूरी दुनिया भी मानेगी, शर्त यह है कि पहले तुम में वो मैच्योरिटी आए तो सही। तुम में है क्या मैच्योरिटी? वो पहले सवाल ये किया करो, ये मत शिकायत किया करो कि माँ बुरी है और बाप बुरे हैं, तुम्हें वो शिकायत करने का हक है नहीं। पहले उंगली अपनी ओर, हम किस काबिल हैं? मैंने तुमसे 2 बातें बोली थी, असली माँ बाप और असली बेटा बेटी।
असली माँ बाप की बात छोड़ो, वो पीछे आती है। तुम पहले ये देखो कि तुम असली बेटा बेटी होने लायक हो, वो ज्यादा जरूरी सवाल है। जैसे मम्मी कहती है ये करो, तुमने कह दिया कि हमें नहीं करना है, अच्छा नहीं लगता, तो कहती हूँ तुम ये कर ही नहीं पाओ, तो इससे क्या मतलब उनको क्या पता? क्या पता सही कह रही हो। सर जो चीज हम कर लेते हैं, जैसे वो कहेंगे कि जाके ये कर गैस सिलेंडर बुक करा दो, हमने पहले बुक कराया है, अब मेरी इच्छा नहीं है कराने की। तो रोटी घर पे खाते हो? यस सर। गैस पे बनती है, सिलेंडर कौन बुक कराएगा? सर मतलब कि हम कर लेते हैं सर, और भी लोग हैं घर में करने वाले, पर वो हम ही तो कहते हैं कि जाके करो उसे। और लोग और काम करते हैं कि नहीं? सर सब लोग फ्री बैठे रहते हैं, सब लोग मतलब पास है, भाई मिले क्या, तो सर बिबड़ी से पास हो गया बैठा है, कुछ करता नहीं है। तो सर वो हमसे ही कहते हैं कि तुम पढ़ रहे हो उसके साथ ये भी काम करो। बेटा मेरे पास दो गाड़ियां हैं, एक का पता है कि चलाऊंगा तो 10 किलोमीटर के अंदर अंदर कुछ ना कुछ इसका बोल जरूर जाएगा, दूसरी मुझे पता है कि चलती है बढ़िया है, तो मैं किसका इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ? तुम बढ़िया वाली गाड़ी हो माँ की, अच्छी बात है। तो ये छोटी बातें हैं बेटा, इस पे नहीं ध्यान देते हैं। तो छोटी बात नहीं सर, वो बुद्धि क्वेश्चन होता है कि जो बिल्कुल छू के निकल जाता है, एक होता है दिमाग में बैठ जाता है सर, तो क्वेश्चन वो होता है कि जो दिमाग में बैठ गया। अच्छा चलो फिर एक काम करना, अगर इस बात को इतनी गंभीरता से ले रहे हो ना, तो इस बार जब घर जाना, रोज घर जाते हो या छुट्टियों में? नहीं सर रोज। रोज घर जाते हो, तो अभी किसी दिन मौका देख के जब जरा शांति हो घर में, माँ को बैठाना और यही बात उनको कहना, पर प्रेम से शांति से कहना। और सर भाई मेरा सक्सेसफुल बैठा है सर, वो कुछ कर नहीं था, वो भी हमसे कहता है तुम ये चीज कर नहीं। क्या करें, मारे भाई को ले आओ पीटते हैं मिलके। वो कहता है कि तुम्हें बीटेक करना चाहिए था, तुम डिप्लोमा कर रहे हो, अरे हमें बताया हमें क्या अच्छा लग रहा है, वो हम करेंगे, उसके कहने पे जो सर वो बाहर ये चीज कहता है। बेटा तुम्हारा भाई कौन सा 50 साल का हो गया, 21-22 साल का लड़का ही तो होगा। बीटेक ही तो करा है और क्या करा है? नहीं सर बहुत साल से फ्री बैठ रहा है, 6-7 साल। तो तुम्हें उसके साथ संवेदना नहीं है, बजाय ये कहने के कि भाई की स्थिति ऐसी करुणाजनक है, तुम उसकी शिकायत कर रहे हो। 7 साल से अगर कोई बेरोजगार है तो तुम उसकी त्रासदी समझते हो क्या होती है? रोजगारी करके बताए जाते तो करता नहीं सर, छोड़ देता है। उसे मजे आते हैं बेरोजगारी में। तो सर वो खुद सक्सेसफुल नहीं है सर, और हमको कहता है कि तुम जैसे सक्सेसफुल होगी, हमने ये किया तुम भी वही कर रहे हो, तुम कैसे हो सकते हो, हम इतने साल के एक्सपीरियंस होल्डर हैं और तुम कर रहे हो वही चीज। देखो दो बातें ध्यान रखना, जिसको अपने ऊपर यकीन होता है ना, उसे दूसरों पर बहुत गुस्सा नहीं आता, क्योंकि उस पर दूसरों की बातों का प्रभाव ही नहीं पड़ता। जिसे अपने ऊपर यकीन है, तुम मुझसे बार बार बोलो सर आप में इतना दम ही नहीं है कि आप ये मोबाइल फ़ोन भी उठा सकें, वहाँ से चिल्लाते रहो जी आप में क्या दम है, दम हो तो उठा के दिखाइए हम उठा दें, फिर दम हो दोबारा उठा के दिखाइए तुम्हारा, और तुम बार बार कह रहे हो नहीं दम हो तो दिखाइए, और ना उठाएं तो बोलो दम नहीं है, तो मुझे तुम पे गुस्सा आएगा क्या? गुस्सा आएगा? क्यों आएगा भाई? अभी कह रहा है ये मुझे जबरदस्ती सिद्ध करना चाहता है कि आपको आएगा। मुझे पता है ना कि मैं उठा सकता हूं, मुझे अपने ऊपर यकीन है, जब अपने ऊपर यकीन होता है तो दूसरे पर गुस्सा नहीं आता। तुम कहते हो यूं ही बोल रहा है, बोलने दो क्या फर्क पड़ता है, मुझे पता है ना, मैं जानता हूं अपनी काबिलियत अपना सामर्थ्य, तो अभी बोले कुछ भी क्या फर्क पड़ता है। बल्कि अगर ये बार बार ऐसा बोल रहा है तो जरूर तनाव में है, जरूर परेशान है, जरूर दुखी है। तो फिर उसके पास जाके भाई तू बहुत परेशान है मुझे पता है,
जो कोई ऐसा कर रहा हो परेशानी होगा तभी तो कर रहा है ना। तुम्हें दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि तुम्हें अपने ऊपर यकीन ही नहीं है। जब वो तुमसे बोलता है ना कि तुम अनसक्सेसफुल रह जाओगे तो तुम्हें शक पैदा हो जाता है। ईमानदारी की बात ये है, तुम डर जाते हो कि कहीं सही ही ना बोल रहा हो, क्या पता ठीक ही बोल रहा हो, कहीं मैं सही में असफल ना रह जाऊँ, यही होता है ना। हाँ, तो तुम्हें गुस्सा इसलिए आता है। तुम अपने भीतर यकीन रखोगे जो होगा देखा जाएगा, हमें नहीं मालूम हम सफल होंगे कि असफल होंगे, पर जैसे भी होंगे ठीक है। जो बोले असफल रह जाओगे तो तुमको हो सकता है, वो तुमसे बोले बेरोजगार रह जाओगे तुमको हो सकता है, हो सकता है रह ही जाए बेरोजगार, पर रह भी गए बेरोजगार देखा जाएगा ठीक है। जब तुम्हें अपने ऊपर यकीन होगा ना कि ठीक है इट्स ऑल राइट कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो फिर भाई के ऊपर गुस्सा नहीं आएगा। अपने भीतर यकीन रखो। मतलब सर कई बार बोलने में ऐसा हमें अंदर से लगता है कि क्या पता सही कह रहा हूं। हाँ, तो तुम मान लो कि सही ही कह रहा है, तुम मान लो कि देखो गारंटी तो जिंदगी में किसी चीज की नहीं होती ना। बिल्कुल हो सकता है कि तुम बेरोजगार रह जाओ, तुम कहो हो सकता है बेरोजगार रह जाए, पर कोई बात नहीं देखा जाएगा। दुनिया में इतने लोग बेरोजगार हैं, वो कुछ ना कुछ तरीका निकालते हैं, हम भी कुछ ना कुछ निकाल ही लेंगे, देखा जाएगा।